आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हुए फिर चुनाव नहीं होने दिया, ये तो सरासर नाइंसाफी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार एमसीडी मेयर पद का इलेक्शन रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूटा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि बीजेपी लोकतंत्र, संविधान और डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए आज फिर चुनाव नहीं होने दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपके पास 151 वोट होने के बाद भी हम अपना मेयर नहीं बना पा रहे, जबकि बीजेपी के पास मात्र 105 वोट है। उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहती है कि एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, ये तो संविधान और डीएमसी एक्ट के सरासर खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वालों को इसी की शंका थी, बीजेपी की मंशा साफ थी कि चुनाव नहीं होने देना है। आइए सुनते हैं कि संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट है। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तरह तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और तीन चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, ये भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाब दे ही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है, हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही है, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मनसा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे, देखा आपने, सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम भी होता है। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।